नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। अवध पधार चुके हैं अवध पति और एसी का ये खास प्रोग्राम, और क्या कुछ रिएक्शंस, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज का जो सूरज है वो एक नई आभा के साथ आया है और आज की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। और जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन निकल कर सामने आया, या उन्होंने राम के महत्व को, राम के आदर्श को, राम क्या थे और राम के अंदर क्या गुण, क्या कुछ गुण समाहित थे, वो तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन के जरिए किया। क्योंकि अब राम राज्य स्थापना की शुरुआत हो चुकी है, तो राम के गुणों को अपने अंदर समाहित करना बेहद अहम हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारी मुख्य बातें कही है, बेहद महत्वपूर्ण। राम उग्र नहीं, सौम्य है, और समाज में इन बातों का किस तरीके से विस्तार होगा आने वाले समय में, ये भी बेहद मायने रखता है। क्योंकि वो रामलला, वो मनमोहक दृश्य जो आज क्षण तस्वीरें सामने आई, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अगर उनके जीवन की एक भी पंक्ति या सौम्य और त्याग, ये सारी चीज़ें अगर अपने ऊपर, अपने अंदर समाहित कर ले या अपने जीवन में उतार ले, तो मुझे लगता है एक बेहतर राष्ट्र निर्माण हो सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात का जिक्र किया कि राम आग नहीं, ऊर्जा है, जिस तरीके से राम के नाम पर राजनीति की गई, और एक समुदाय विशेष की अगर यहाँ पर बात की जाए, अलग अलग मायने निकाले गए राम के, तो उसको भी परिभाषित करने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री के द्वारा कि राम आग नहीं, ऊर्जा है, एक नए ऊर्जा का संचार हुआ है और एक अखंड भारत का निर्माण करना है। तो मुझे लगता है और राम की जो बातें हैं, जो गुण हैं, वो हर एक जन को अपने जीवन में उतारना होगा। साथ ही उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि आज से हजारों साल बाद तक इस दिन की चर्चा होती रहेगी, यानी कि आज से शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। और इस बात का भी जिक्र किया कि यही सही समय था, यही समय सही है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण, अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो सार्थक तभी होगी जब राम के आदर्शों को, राम के गुणों को, राम रोम रोम में जब बस जाएंगे, तो अखंड भारत का निर्माण हो पाएगा और एक राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। यानी कि आगाज हो चुका है और हर एक जन की सहभागिता अब इसमें जरूरी हो जाती है। वो विवाद नहीं, समाधान है। तो लगता है ये जो बातें, बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि हर एक व्यक्ति को इससे कुछ सीखने की जरूरत है। क्योंकि आज जिस तरीके से अलग अलग मायने राम के निकाले गए, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर जिक्र करें, किस तरीके का विवाद, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं, किस तरीके की बयानबाजी निकल कर सामने आई, वो विवाद नहीं, समाधान है, वो वर्तमान नहीं, अनंत काल है। ये बड़ी बातें हैं जो निकल कर सामने आई, वो भारत के आधार भी हैं, विचार भी हैं, और इन्हीं विचारों के साथ अखंड भारत का निर्माण हो पाना संभव है। हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी जुड़ेंगे, हम प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे। मेरठ से राजू शर्मा जुड़ चुके हैं, साथ ही अनिल मीणा जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, सुरेश सविता कानपुर से जुड़ चुके हैं, और भी प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे। क्योंकि राम के विचार जनमानस में भी हो और इसी के साथ राम राज्य की स्थापना हो पाना संभव है, क्योंकि राम हर एक व्यक्ति के रोम रोम में बसने चाहिए। और आज एक नई ऊर्जा का, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा गया कि यही समय उचित समय था, और हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ तो कमी रही होगी, और यही वजह है कि इतनी सदियों तक ये काम नहीं हो पाया जो आज संभव हुआ है। यानी कि नियति और विधि का विधान भी कुछ ऐसा था कि वो सदी, आज जो एक शुरुआत हुई, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, शायद उसके लिए यही समय,
बहुत अच्छा और बेहतर रहा होगा। तमाम अहम बातें अपने इस संबोधन में समेटे हुए और एक नए युग की शुरुआत के साथ एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों को राम के आदर्शों पर चलने की नसीहत भी देता है। एक बार मेरठ, कानपुर और बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। शुरुआत मेरठ से कर लेते हैं। राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, मेरठ में क्या कुछ नज़ारा नजर आया? अभी तक लोग ये कहते थे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अब तो राम भी आ गए, अंगना भी सज चुका होगा। क्या उत्सव नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, राम आएंगे और अंगना भी सजाएंगे, ये गाना खूब चर्चित रहा और लोगों ने खूब इसे गुनगुनाया भी, और आज ये हकीकत भी हो गया है, राम आ भी गए हैं और लोगों ने जो अंगना है वो भी सजाया है। हम मेरठ के मशहूर प्रसिद्ध जो मंदिर है वहां पर मौजूद है और यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं उनका तांता लगा हुआ है, वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, प्रभु के प्रभु राम को नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेने के लिए। राजू, आपकी आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा से वापस लौटते हैं, आपका रुख करते हैं। तो आज से हजारों साल बाद तक इस दिन की चर्चा होने वाली है, यानी कि शुरुआत हो चुकी है, नींव रख दी गई है और यही समय सही समय है। और इस सही समय को आम जनता किस तरीके से ले रही है वो प्रतिक्रियाएं भी साझा करते हैं। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल मीणा, क्या कुछ उत्साह आम जन में नजर आ रहा है? कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं अनिल मीणा आपके पीछे। जी आवाज चेक करें, आवाज चेक करें। अनिल मीणा, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है जी, सुन पा रहे हैं अनिल। 500 वर्ष से जो लोगों की जो चाप थी आज हो चुकी है और लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खुशी की लहर है। जो वास्तविक जो कहानी चले थे कि राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, तो बाकी जो लोगों के आज झोपड़ी के जो भाग है वो पूरी तरह से खुल चुके हैं। जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद में पूरे देश में वो संदेश दे दिया है जो लोगों को काफी समय से इंतजार था। देखिए मेरे साथ यहाँ जो लोग हैं और जो आज इस मंदिर जो कस्बा पहासू के जो प्रसिद्ध मंदिर है मठ मंदिर उस पर मौजूद है, और देखिए यहाँ जो लोगों के चेहरे पर आज बाकी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। देखिए मेरे साथ काफी बुजुर्ग लोग हैं, इनका इनसे हम बात करते हैं कि देखिए काफी 500 वर्ष बाद आज जो राम विराजमान हुए हैं उसको लेकर किस तरह की खुशी है, किस तरह के लोगों की जो इच्छा है। शाम को देखिए जो लोगों का कहना है शाम को दीपावली की तरह दीप भी जलाएंगे, पटाखे भी छोड़ेंगे। बिल्कुल अनिल, पूछिएगा क्या कुछ तैयारी शाम की, दिए जलाए जाएंगे, आतिशबाजी की जाएगी, पटाखे छुड़ाएंगे, कैसे मनाएंगे ये त्योहार? घर घर दीप जलाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, घर घर पटाखे छोड़ेंगे और इसके साथ साथ भजन कीर्तन करेंगे और दिन भर के कार्यक्रम चला है। और घर घर के अलावा जगह जगह हर मंदिर पर हर गली नुक्कड़ पर हम लोगों ने भगवान के नाम पर झांके निकाली है, झांके लगाए, मेला लगाया, मेले के साथ साथ हम लोगों ने भंडारे भी किए जगह जगह। तो जनमानस के हर जिंदगी में प्रवेश कर गया है। आज भगवान के नाम पर एक दिवाली मनाई जा रही है जो 500 वर्ष बाद लगातार हुई है, तो हम इसका भरपूर रंग है, इसका आनंद उठा रहे हैं, तो भगवान की भक्ति मिली है। अच्छा दादा, आप क्या कहेंगे जिस तरह से शाम का क्या प्रोग्राम है, दीपावली किस तरह से मनाई जाएगी? शाम को बताया जा रहा है कि घर घर दिए भी दिए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा और लोगों को उत्साहित भी किया जा रहा है, पटाखे भी छोड़ने की बात की जा रही है। ये तो जलाई जाएंगे सब जगह, दिवाली की तरह ही उत्सव मनाया जाएगा। और क्या तैयारी है? पूजा पाठ होगा। आप बताइए दादा, आप क्या कहेंगे? भैया सर, प्रथम तो मैं इस संघर्ष में शामिल होने वाले सभी कार सेवकों को, संतों को और राम का पक्ष लगने वाले उन वकीलों को, जजों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं, और जो कार सेवक पहासू से गए उनके लिए भी सबसे प्रणाम करता हूं, और 500 वर्षों बाद रामलला हमारे यहां विराजमान हो उसकी इतनी उत्साह और खुशी है। पहासू में जगह जगह भंडारे भी हुए हैं, दीपक भी शाम को जलाए जाएंगे, भगवान राम की पूजा भी होगी, और जो लोग ये कहते थे कि रामलला टेंट में हम जो है तारीख नहीं बताएंगे, आज उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक सबक मिला है कि रामलला टेंट से निकलकर अपने भव्य। जिस तरह से पटाखे छोड़े जा रहे हैं, दीप भी जला रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह से पटाखे छोड़ने की तैयारी की जा रही है? जिस तरह से रामलला 14 वर्ष बाद वनवास काट के अयोध्या आए थे, हम उसी तरह से अब ये पूरा का पूरा आप पूरा सिस्टम है ऐसे समझ रहे हैं जैसे हमारे घर में खुद रामलला विराजमान होने। इतनी खुशी जितनी दीपावली पे भी नहीं होती है उतनी खुशी आज हमें हो रही है। अच्छा दादा, आप क्या कहेंगे? आप बताइए दादा, आप बताइए। देखिए 500 वर्षों के बाद
रामलला अपने अयोध्या नगरी में आ रहे हैं और इसी खुशी में आज एक पर्व दीपावली पर्व की तरह मनाया जा रहा है, जिसे लेकर जो हमारे कार्य सेवकों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाया, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हर प्रदेशवासी, हर देशवासी के मन में ये उमंग है कि इस पर्व को दीपावली पर्व की तरह मनाया जाए। इसी पर्व में आज पटाखे भी जलाए जाएंगे, छोड़े जाएंगे और दीप भी जलाए जाएंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा? आप बताइए, किस तरह की तैयारी की गई है शाम के लिए? किस तरह का पूजन किया जा रहा है? किस तरह की तैयारी की जा रही है मंदिरों में? समय देखिए, सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलन होगा, दीपक की व्यवस्था है सभी मंदिरों में, और जो साधु संत समाज है उनके माध्यम से भजन कीर्तन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है और सभी की व्यवस्था है भजन कीर्तन करने की। लगभग ये 500 वर्षों बाद हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि राम लला स्थापित अपने स्थान पर हुए, ये हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन ऐसी कार सेवकों की बहुत सारी पीढ़ियां जो इस दुनिया में नहीं है, एक अच्छे स्थान पर है, लेकिन हमें ये देखने को मौका मिला है। और मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का। कार्यकाल तो वैसे बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का रहा है, लेकिन एक प्रधान सेवक, एक राजा जो होता है उसके शासनकाल में जो चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा इस चीज के लिए। अरे दादा, किस तरह की तैयारी की जा रही है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा लगातार गरीब जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए दीपक भी दिए जा रहे हैं, दिए भी दिए जा रहे हैं, तेल भी उनके घी भी वितरित किया जा रहा है, और किस तरह की आप लोगों को खुशी है? ये तो जा रही है, उसके अलावा जनता में इतना जोश है वो खुद खरीद रहे हैं मार्केट से, और तेल बेल सारी व्यवस्था है, और रात को दिन में तो भंडारे चले चल रहे, रात भी हो गए, रात को दूध की व्यवस्था। चलिए अनिल मीणा, वापस लौटते हैं, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कुलदीप पंडित बागपत से संवाददाता जुड़ चुके हैं, साथ ही कानपुर से भी सुरेश सविता जुड़े हुए हैं, तो एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं सुरेश सविता का, क्योंकि कानपुर में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। भव्य दिव्य तरीके से अब ये अनुष्ठान भी पूरा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन से निकल कर अहम बातें सामने आई प्रभु श्री राम को लेकर, बड़ी बातें वो, और उन बड़ी बातों को आम जनमानस अपने जीवन में कैसे उतारेगा, क्योंकि तभी भव्य और दिव्य भारत का निर्माण हो सकेगा। सुरेश, क्या कुछ उत्सुकता, क्या कुछ माहौल नजर आया, क्योंकि अब तो राम आ चुके हैं, तैयारियां क्या कुछ नजर आई? जी सोनी जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा 500 साल का सफर था वो बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें देख रहे हो, इसको इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, और इस तरीके से दोबारा दीप जलाने का अवसर प्राप्त होगा, ये किसी ने सोचा भी होगा। मोदी है मुमकिन है, इसलिए हमारे साथ कई ऐसे वरिष्ठ नेता, कई ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे बात करेंगे, वो हमने करवाए थे वो साथियों का साथ देकर जो उन्होंने स्थापना के लिए जो कार्य जरूरी थे वो किए थे, आज वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस समय क्या स्थिति थी, क्या माहौल था, कैसे क्या किया था, क्योंकि कानपुर में सबसे पहली बार इतिहास में सीबीआई का जो छापा था, जो सुभाष चोपड़ा इधर में पहुंचा, वो हमारे साथ मौजूद है, इनको न्योता नहीं मिला, लेकिन खुश आपकी आवाज नहीं ठीक से आ पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं और आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, और जो भीड़ आपके साथ इस वक्त मौजूद है, गर्व का, अभिमान का और स्वाभिमान का दिन है आज, पूरा देश, देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व राम में है, राम की भक्ति में डूबा है, पूरे देशवासियों को इस बात का गर्व है कि 500 साल के अनवरत संघर्ष और त्याग के बाद आज हमारे भगवान श्री राम अयोध्या के मंदिर में ठाक से विराजित। दीपावली मना रहा है और ये उत्सव चलता रहेगा अनवरत, क्योंकि आज
हमारा त्याग, हमारी तपस्या, हमारे क्षण पूरे हुए। भगवान श्री राम आज अपने भव्य मंदिर से वो कौन से छल थे जब आपके घर में सीबीआई का छापा पड़ा था, कैसा माहौल उस समय, किस तरीके की? देखिए जैसे हम पहले बता रहे हैं 500 साल का अनवरत संघर्ष, यानी कि हमारे कई पीढ़ियों के द्वारा संघर्ष हो रहा था और 90-92 के दौरान ये अपना संघर्ष राम जन्मभूमि का पूरे देश में उछाल मार रहा था। उस समय राम मंदिर आंदोलन के लिए कार सेवक हर स्तर पर इस बात पे तैयार थे कि आर या पार, और आर या पार में पूरे कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे पे अपना पूरा आक्रमक अपनाकर उस गुलामी के ढांचे को गिराने का कार्य किया था। चूंकि उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, उन कार सेवकों पर जुर्म ढहे जा रहे थे, सैकड़ों हजारों मुकदमे पूरे देश में लादे गए। उसी कड़ी में मैं भी एक था, मेरे यहाँ भी सीबीआई की रेट पड़ी, मुझे कई मुकदमों में डाला गया, लेकिन आज उन सारी चीजों का अंत हुआ है और पूरा देश सफल होकर पूरे अपने भगवान श्री राम आराध्य की भक्ति में डूबा हुआ। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो खुद एक सेवकुल व्यक्ति हैं, उनके आह्वान पर पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। दीपावली 2-4 महीने पहले थी, लेकिन उससे बढ़कर आज हर घर में जितने भी लोग प्रसाद उत्सव होगा, दिए जलाएंगे, घरों घरों में बिजली लाइट लगाकर दीपावली जैसी ही दीपावली आज 22 जनवरी को होगी। देखिए सोनी जी, कहीं ना कहीं आज इस 22 जनवरी को डेट को इतिहास के पन्नों में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की देव दीपावली कही है या मोदी दीपावली कही है या श्री राम आज विराजमान है वो दीपावली कही है, पूरा विश्व बिल्कुल सुरेश ये वाकई गौरवान्वित कर देने वाले ये क्षण है। और एक जो लंबा संघर्ष रहा 500 वर्षों से ज्यादा का, वो संकल्प वो संघर्ष आज हकीकत में तब्दील हो चुका है, सपना साकार हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, उनका आगमन है, तो जाहिर सी बात है उत्सुकता भी चरम पर है। हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से वापस लौटेंगे और प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे। कुलदीप पंडित बागपत से जुड़े हुए हैं, सुनील मालवीय भोपाल से जुड़े हुए हैं। कुलदीप पंडित का रुख कर लेते हैं बागपत का, एक बार बागपत में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, कुलदीप यहाँ पर क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, शाम की क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं, किस तरीके से दीपावली मनाने के लिए लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं? कुलदीप आपको आवाज मिल पा रही है जी? सुनी मैं बता दू आपको कि मैं भगवान परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर पर इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत ही लोगों के अंदर फिर जोड़ लेंगे लोग देख रहे हैं। चलिए मुझे लगता है आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही, एक बार सुनील मालवीय का रुक कर लेते हैं भोपाल का। भोपाल में भी उत्साह चरम पर लोगों का देखने को मिल रहा था, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं क्योंकि अब रामलला जो हैं वो विराजमान हो चुके हैं और उसके बाद कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सुनील मालवीय का रुक करें, उससे पहले एक बार फिर से कुलदीप पंडित का रुक करते हैं, हमारे संवाददाता बागपत से जुड़े हुए हैं। कुलदीप पंडित, क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आतिशबाजी की तैयारी? 500 वर्षों का सपना पूरा किस प्रकार देखते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में, विदेशों में भी राममय वातावरण है। हमारे भोपाल शहर में पूरा देख रहे हैं, मैं यहाँ का महंत हूँ हनुमान मंदिर का, इतना अच्छा कार्यक्रम, पूरा राममय चल रहा, सुबह से कीर्तन संकीर्तन भजन, भगवान राम के रथ यात्रा निकल रही है, भंडारा चल रहा, पूरा भंडारे की तैयारी चल रही है। काफी लंबे वर्षों बाद, बड़ा लंबे वर्षों बाद सपना पूरा हुआ है, बने पीढ़ी कई पीढ़ियों का जो सपना रहा तो साकार हुआ। इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी लगा, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप देश देवी जो माहौल राम में माहौल हो चुका है, श्री राम जी रथ यात्रा पर निकले और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में राम में माहौल है जी।
बिल्कुल सुनील, एक बार आवाज आपके ठीक से मिल नहीं पा रही है, पहुंच नहीं पा रहे, दोबारा से संपर्क करेंगे और तब तक इस तकनीकी खामी को ठीक कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन आस्था और राम के प्रति जो विश्वास है आम जनमानस का, वो वाकई चरम पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब रामलला आ चुके हैं, पधार चुके हैं, अवध पधारे अवध पति, और हर एक शख्स बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण गुप्ता, दिल्ली में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ उत्साह? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज अयोध्या के अंदर राम जी का प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और उसी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर, राम जी को अयोध्या से वापस आने के लिए पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे क्या माहौल है दिल्ली का, और क्या कितनी खुशी लोगों को मिल रही है जब रामलला अयोध्या वापस आए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजा जाटव, जो समाज सेवक है सुप्रसिद्ध भारतवर्ष के। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? खुशी का दिन है, बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है। दिवस को रामलला के जो आज ये खुशी है हमारे दिलों में, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो प्राण प्रतिष्ठा आज भारतवर्ष के अंदर हुई है अयोध्या धाम के अंदर, तो कहीं ना कहीं इतिहास में बहुत बड़ा दिन माना जाएगा। और मेरे हिसाब से आने वाले समय में अब दिवाली देश के अंदर एक नहीं दो दो बार मनाई जाएगी। जय श्री राम, जय हिंद। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहिणी से, रोहिणी सेक्टर 6 से रामलीला कमेटी के जो प्रधान है वो जुड़े हुए हैं, जो खुद भी राम का किरदार निभा चुके हैं, और उन्हीं से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कालरा है। रोहित जी, कैसा महसूस हो रहा है आज 70 सालों के बाद राम लला अपने धाम पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कैसा माहौल है दिल्ली का? माहौल दिल्ली में प्रॉपर दिवाली मनाई जा रही है, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में, और देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। जो मोदी जी के कर कमरों से जो काम हुआ है, 500 साल के बाद रामचंद्र जी एक टेंट से उठ के महल में गए हैं, ये बहुत बड़ा इतिहास रचा है देश के अंदर। आज जो इतिहास रचा गया है, पूरा देश दिवाली मना रहा है, और बहुत खुशी की बात है, हर इंसान के लिए खुशी की बात है। ऑल रिलीजन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, सबके लिए खुशी की बात है, और होनी भी चाहिए। तो शाम का जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ का जो माहौल है रोहिणी सेक्टर 6 का, किस तरीके से यहाँ पूरे रैली का आयोजन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़, और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ नाच रहे हैं, किस तरीके से खुशी का यहाँ से पूरी घूमने वाले चलिए प्रवीण, दोबारा से आपका रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ढोल नगाड़े और नाच गाने में मशगूल युवा, यानी कि आज की पीढ़ी को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसलिए भी अपने आप को वो धन्य समझे कि इस पल के साक्षी बने आज की युवा पीढ़ी, और इसीलिए ये जश्न मनाते हुए तस्वीरें सामने आ रही है। एक बार वापस रुक करेंगे प्रवीण, मेरठ का रुख कर लेते हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, मेरठ में किस तरीके की आतिशबाजी और किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि अब रामलला जो हैं विराजमान हो चुके हैं, इंतजार खत्म हो चुका है। राजू अनम्यूट कर लीजिए जी। और वासियों के साथ देश में जश्न का माहौल है, और तमाम जो लोग हैं वो आज प्रभु श्री राम का स्वागत है, पटाखे हो रहे हैं, का भी जो संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। वाकई आज से हजारों साल बाद तक इस दिन को याद किया जाएगा, यानी कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की ये तारीख ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज हो चुकी है। हमारे साथ है बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। कुलदीप पंडित का रुख कर लेते हैं। बागपत की तस्वीरें
क्या कुछ कह रही हैं और किस तरीके से बयां कर रही हैं अपनी आस्था को, उत्सुकता को, वो भी जानते हैं कुलदीप पंडित से। कुलदीप पंडित, क्या कुछ माहौल बागपत में नजर आ रहा है, किस तरीके का उत्सव देखने को मिल रहा है आपको? जी सोनी, मैं बता दूं, इस समय हम मौजूद हैं परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर पर, और यहाँ आप देख सकते हैं 1,00,000 से ज्यादा दीपक यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और लोगों के अंदर भारी उत्साह देखा जा रहा है। हर तरफ जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सुबह से ही लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई थी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ध्वज लेकर जो श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर सुनिए, बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा आपको कुछ तस्वीरें जो जो दीपक जलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दीपक जलाए जा रहे हैं और लोग सुबह से ही यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों के अंदर और युवाओं के अंदर भारी उत्साह देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जहां जहां भी नजर घुमाएंगे वहीं पर आपको दीपक जलते नजर आएंगे और 1,00,000 से भी अधिक दीपक यहाँ जलाए जा रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ है, बात करते हैं इनसे कि माहौल इन्हें दिखाई दे रहा है, किस तरह का माहौल इन्हें दिखाई दे रहा है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा सैनी। क्या कैसा लगा जी? आप बताइए, आपका नाम क्या है? दीपक जी। दीपक जी, उत्साह काफी है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान श्री राम आज हुई है अपने मंदिर में, टेंट से निकलकर आज भगवान मंदिर में क्या करना है? बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया हो गया जी, पूरा मजा आ गया। अच्छा, कोई गाना गाना गुनगुना कोई आता है? गाना गुनगुना कोई दिखा सुना। गाना सुना, हम उसको लाएंगे यूपी में फिर गया यूपी में फिर से साफ तौर पर दिखाई दे रहा हूँ। आप इधर आ जाइए, आप बताइए, आप बताइए आज जैसा उत्सव चल रहा है भैया, इसे देखिए जरा। जय श्री राम, जय। ठीक है कुलदीप, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि युवाओं का जोश भी चरम पर है। लेकिन कहते हैं ना कि जब जोश चरम पर होता है तो शब्द कम पड़ जाते हैं, और मुझे लगता है ऐसा ही नजर आ रहा है कि कहना तो बहुत कुछ चाहती है युवा पीढ़ी, लेकिन कह नहीं पा रही है। हमारे साथ सुरेश और सविता भी कानपुर से जुड़े हुए हैं, अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। एक बार रुक कर लेते हैं सुरेश सविता का। सुरेश सविता, उत्साह चरम पर नजर आ रहा है और देखा जाए वाकई बेहद खास पल है, और अब दिए जलाने का वक्त भी होने वाला है, तो ऐसे में जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, यानी कि चारों दिशाएं इस वक्त जय श्री राम का उद्घोष करती हुई नजर आ रही हैं। जी सोनी जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से अयोध्या में इस समय खुशियों के साथ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो अयोध्या सहित कानपुर और कानपुर सहित पूरे देशों में ही हुई है। इस समय युवाओं में एक अलग सा जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। कानपुर की अगर हम लोग बात करें तो कानपुर में हर तरफ भगवे रंग से टेंट लगे हुए हैं, गेट बने हुए हैं, और यहाँ तक लोगों के बैठने के लिए जो कुर्सियों की व्यवस्था की गई है वो भी भगवे रंग की गई है। सोनी जी, इस समय हो गया जहाँ पर हम मौजूद है परमपुरा में, इस समय दीप जलाने का समय हो गया। लोगों ने यहाँ कई प्रकार के दीप मंगाए और कई तरीकों के दिए जलाने की यहाँ पर 7 बजे से प्रतिक्रिया चालू होगी। हमारे साथ एक युवा व्यापारी नेता किस तरीके की दीप प्रज्वलित की व्यवस्था की गई है, कितने लोग किस दीप प्रज्वलित में शामिल होंगे, लगभग कितने दीप ये लोग जलाने वाले हैं? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय वर्मा है। किस तरीके की व्यवस्था दीप प्रज्वलित की है, किस तरीके का उत्साह आप लोग आज मना रहे हैं? हम लोगों ने आज जो है दीपों का प्रबंध किया है और हम लोग खेत में उसको जलाकर दीपावली का पर्व और इतनी खुशी है कि हम लोग बयां नहीं कर सकते। देखिए सोनी जी, कहीं ना कहीं युवा हो, व्यापारी हो या मध्यम वर्ग के लोग, कोई भी हो, ये कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ही ज्यादा
अयोध्या के साथ साथ कानपुर भी अब इस खुशी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। गली मोहल्ले क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष, सभी लोग इस समय जय श्री राम के नारे के साथ बिल्कुल डटे हुए हैं। जय जय श्री राम के सारे नारे के साथ बिल्कुल डटे हुए हैं। शख्स को राम को समझने की जरूरत है और राम को समझ पाना कहते हैं इतना आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल सुरेश, जय श्री राम के उद्घोष से चारों दिशाएं जो हैं वो गुंजायमान हो चुकी हैं और अब आने वाले एक कालखंड की शुरुआत, वो भी ऐसी शुरुआत जो भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करेगी। और मुझे लगता है अब राम को रोम में बसाने की तो जरूरत है ही और इसके साथ साथ राम किस तरीके से कि हर एक बात के परिचायक किस तरीके से रहे, उन सारी बातों को भी समझने का वक्त आ गया है।